जो मारकाट वहां मची हुई है, ये स्थिति बहुत डरावनी है और अत्यंत क्रूरता पूर्वक व्यवहार वहां हो रहा है। हिंदुओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमान सिखों को मार रहे हैं, मुसलमान जैनियों को मार रहे हैं और हिंदुओं को तो टारगेट करके गिन गिन करके मार रहे हैं। जिन्होंने धर्म के आधार पर ही तो पाकिस्तान बनवाया है, भूमि के आधार पर तो बना नहीं। भारत में रहने वाले मुसलमानों को ये विचार करना चाहिए कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, कि पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, कि बांग्लादेश में सुरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित हैं वो। जो मारकाट वहाँ मची हुई है, ये स्थिति बहुत डरावनी है और अत्यंत क्रूरता पूर्वक व्यवहार वहाँ हो रहा है। हिंदुओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमान सिखों को मार रहे हैं, मुसलमान जैनियों को मार रहे हैं और हिंदुओं को तो टारगेट करके गिन गिन करके मार रहे हैं। जिस प्रकार से बहुत सारे हिंदू को इंडिया में लाया जा रहा है, तो बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनको इंडिया में जगह दी जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है, तो शासन को निर्णय लेना है, सरकार को निर्णय लेना है। जिन्होंने धर्म के आधार पर ही तो पाकिस्तान बनवाया है, भूमि के आधार पर तो बना नहीं, धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान बना। तो आज भारत में रहने वाले मुसलमानों को ये विचार करना चाहिए कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, कि पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, कि बांग्लादेश में सुरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित हैं वो। तो ये उनको शिक्षा लेनी चाहिए ना। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो हिंदू तो नहीं कर रहे हैं ना, कौन कर रहा है? वहीं के निवासी कर रहे हैं। पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारत से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो हम लोगों को भी अपनी संस्कृति और संस्कार, हमारे देश के तो ये न संस्कार है न ये संस्कृति है, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी का भी वध नहीं होना चाहिए। तो ये तो बहुत विचित्र स्थिति पैदा की है और हमारा पड़ोसी देश है, तो हमें तो इस पर विचार करना ही चाहिए। भारत सरकार इस पर जरूर कोई निर्णय ले रहे होंगे, लोग भी चर्चा कर रहे होंगे आपस में, क्या परिणाम आता है देखते हैं। पर बाकी सारी कंट्री, ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब लोग आज कुछ न कुछ होना चाहिए, मगर बांग्लादेश में कहीं ये नहीं। इस मामले तो इस संबंध में कोई भी पक्ष नहीं ले सकता है। जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और जो स्थिति वहां पैदा की है, लोगों को फांसी लगा रहे हैं, झोपड़ी में से निकाल निकाल करके मृत्यु दंड दे रहे हैं, ये ऐसा अधिकार तो उन्हें नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो आपकी समस्या है, उस समस्या को सुलझाने के जो भी उपाय हैं, उन उपाय में यह उपाय तो सबसे ही अधिक खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। पूरे विश्व को एक साथ होकर के आवाज उठानी चाहिए मानवता की रक्षा के लिए। तो मानव धर्म तो यही है ना। बहुत से लोग ये कहते हैं हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, तो मानव धर्म को तो मानते हो, तो मानव धर्म का ज्ञान कहाँ से होगा? वो भी धर्म से ही होगा। आपका जो धर्म है, तो जो मारकाट कर रहे हैं और जिनकी मारकाट कर रहे हैं दोनों ही धर्मावलंबी हैं, तो क्या उनके धर्म में ऐसा आदेश दिया गया है? इन सब विषयों पर चिंतन नहीं होता है, इसलिए हमारे अज्ञान के कारण और अल्प वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसे कदम लोग उठाते हैं जिसमें हजारों लोगों के प्राणों की आहुति हो रही है। ये रोकना चाहिए, तुरंत रोकना चाहिए। हम लोग कभी इसका पक्ष नहीं ले सकते हैं। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।